तो महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में इस्लामिक संगठन PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर NIA का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 20 से ज्यादा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स को NIA ने हिरासत में लिया है। PFI पर देश में हिंसा भड़काने, आतंकवादी हमले कराने, दंगा फसाद कराने और टेरर फंडिंग जैसे गंभीर आरोप है। PFI संगठन के डी कंपनी के साथ भी कनेक्शन है। ऐसे में NIA को जांच के बाद पुख्ता सबूत मिल सकते हैं। जानकारी है कि देश में ANI और ED 10 राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले चुकी है। महाराष्ट्र में पुणे, औरंगाबाद और भिवंडी एवं नवी मुंबई में भी NIA ने छापेमारी की कार्रवाई की है और इस छापेमारी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा NIA ने यह कार्रवाई देश के 14 राज्यों में चलाई है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, UP, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, MP, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना और बंगाल जैसे राज्य शामिल है जहां NIA ने छापेमारी की है। इसके अलावा पुणे के कोंडवा कौसर मस्जिद के पास NIA की इस वक्त रेड चल रही है। कौसर बाग में ये मस्जिद है। नवी मुंबई के नेरुल स्थित PFI के कार्यालय पर NIA ने रेड की है। NIA की टीम PFI कार्यालय में मौजूद है। तो आपको बता दू, PFI पर लगातार देश में हिंसा और दंगे भड़काने के आरोप लगते रहते हैं। ये कट्टर इस्लामिक संगठन की छवि है PFI की, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की, और इस पर कई बार गंभीर आरोप लगे हैं। अब NIA भी इस आधार पर ही जांच कर रही है कि इसकी फंडिंग कहां से होती है और ये टेरर फंडिंग को करता है, दंगे भड़काता है, हिंसा भड़काता है। तो इस संगठन पर अब शिकंजा कसा जा रहा है NIA द्वारा। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए। एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।